गाइज, अगर आपके थाइस पे बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो गया तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो में कि एक महीना लगातार मुझे फॉलो कर लीजिए सिर्फ मेरी बताई हुई 4 एक्सरसाइजेस। अल्टीमेट रिजल्ट आपको दिखेगा आपके लोअर बॉडी पार्ट में, चाहे वो थाइज है, हिप्स है, इनर थाई है, क्वाड्स है, फ्रंट एरिया है, स्पेशली आपका जो बैक का हैमस्ट्रिंग एरिया है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता किसी भी बॉडी पार्ट को कम करना, बट यस, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे काम करते हैं तो वो 100% रिजल्ट देता ही देता है। तो हमें डेली अपने हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए। मेरे चैनल पर ढेरों सारी वीडियोस हैं टमी की, आर्म्स की, थाइस की, बेली एरिया की और बैक फैट की, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, रूटीन में आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए बिना किसी देरी के आज का बेहतरीन सा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अब बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है, आपका जो डाउन वाला लेग है वो एज इट इज रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अपर लेग को आपने क्या करना है, इस तरीके से रोटेट करना है लाइक दिस, पूरा सर्कल क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम ऑपोजिट साइड रोटेट करेंगे। ट्वेंटी टाइम्स हम करेंगे राइट साइड, 20 टाइम्स हम करेंगे लेफ्ट साइड और इसके हम करेंगे 2 सेट्स, ठीक है? अब अदर साइड करेंगे। Opposite side. Relax. तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से पीठ के बल मैट पे लेट जाना है लाइक दिस, ठीक है? उसके बाद में अपने हैंड्स को अपने साइड पे प्लेस करना है लाइक दिस, इस तरीके से। देन अपने आपको हिप को जो है आपने ऊपर लिफ्ट करना है और स्क्वीज करना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इसको हम करेंगे एटलीस्ट 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 3 सेट। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है। अब आपने क्या सोचना है कि आपके हैंड्स में कुछ है या इस तरीके से आपने होल्ड करना है, अपने हैंड्स को लॉक करना है और अपनी बॉडी के साथ टच करते हुए बिल्कुल नीचे जाना है लाइक दिस, ठीक है? शोल्डर आपके जो ये बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। मैं साइड एंगल से आपको दिखाती हूँ, अच्छे से आपको क्लियर होगा। हिप आपने पीछे करना है, बॉडी आपकी आगे जाएगी, शोल्डर आपके यानी जो चेस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। नीचे जाते हुए बिल्कुल स्लाइटली सा नी बेंड होगा, नॉट मोर देन, ठीक है? 20 टाइम्स एंड 2 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, ठीक है? इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने अपनी बॉडी को बेंड करना है, नीचे स्क्वाट्स करने हैं।
क्वाड्स में आपने ध्यान रखना है कि मेक श्योर कि जो आपका नी है वो आपके टो के आगे कभी नहीं जाएगा। देख लीजिए कैसे, ये जॉइन कर लिए, देन बैठ जाना है जितना मैक्सिमम बैठ सकते हैं, देन अप। अगर किसी चीज का सपोर्ट चाहिए तो आप पकड़ सकते हैं, बैलेंस स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी पर्सन का सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, फिफ्टीन टाइम्स करेंगे इसको हम और 3 सेट। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइज आई होप कि आपको मेरा वाला वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी ईशा को ऐसे ही खूबसूरत प्यार देते रहे। प्यार देने के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, आई ईशा मेरा। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।